नमस्कार, सीएसई एकेडमी चंपापेट में आपका स्वागत है। आज हम पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता अभियान में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो पीएमजी दिशा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें दो पार्ट रहता है। पहला पार्ट रहता है आपका टाइपिंग टेस्ट का, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और दूसरे पार्ट में आपको 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। हम अलग अलग सेट के क्वेश्चन देखेंगे और हर सेट में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो एक्चुअल में जो होता है वहां पर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ हम चर्चा में 10 क्वेश्चंस का सेट बनाए हैं और कम से कम 5 या 6 सेट हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आधार इज, पहला 12 डिजिट नंबर कार्ड, दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय UIDAI, तीसरा बोथ ऑफ द एबो, चौथा नन ऑफ दीज। तो अगर हम आधार के बारे में जानना चाहें तो ये UIDAI एक संस्था है जो कि आधार एक्ट 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पारित किया गया, जो कि 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार ने इसको पारित किया, और यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और UIDAI ये क्रिएट किया गया था इशू करने के लिए यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जिसका नाम दिया गया है आधार, हर भारतीयों के लिए। तो हर भारतीयों के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करना, यही UIDAI का फंक्शन है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो आधार जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आधार ये आपका 12 डिजिट कार्ड नंबर है, और आधार को हम आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ एंड इट इज इशूड बाय UIDAI। तो क्वेश्चन नंबर 1 आधार इज, तो आंसर सी बोथ ऑफ द एबव होगा, पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। तो पहला और दूसरा करेक्ट होने के चलते यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ द एबव होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूज्ड इन, पहला है DVD प्लेयर, दूसरा है कंप्यूटर्स, तीसरा है कैलकुलेटर्स, चौथा है रिमोट कंट्रोल। तो अगर हम कंप्यूटर्स को देखें तो कंप्यूटर्स में हमको एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक मेमोरी होता है, और यह जो यूनिट है इसको CPU कहते हैं। ये क्या है आपका, यह है आपका माइक्रो प्रोसेसर। इसमें आपको ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर अरे पाए जाते हैं। तो यह अगर आप फिगर देख रहे हैं तो यह एक आपका ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ESOP stands for, पहला है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्ले, दूसरा है एम्प्लॉई स्टॉक ऑब्जेक्ट प्लान, तीसरा है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, चौथा है एम्प्लॉई शेयर ऑब्जेक्ट प्लान। तो आपका ESOP जो है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान है। तो इसमें आपका आंसर सी जो है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको बता दें कि कंपनी कई बार क्या करती है कि अपने जो शेयर हैं अपने एम्प्लॉईज को ही सेल करने में इंटरेस्टेड रहती हैं। तो जो कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर अपने एम्प्लॉईज को कुछ डिस्काउंट रेट पर सेल करती हैं, इसको ही एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान कहा जाता है। कई बार जब कंपनियां IPO लेकर आती हैं
तो उसमें भी एम्प्लॉय के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थ्री का हमारा जो आंसर होगा ये सी होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, द डैश हेल्प्स इन मूविंग अप एंड डाउन इन द पेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। पहला है लेफ्ट क्लिक बटन, दूसरा है स्क्रोल व्हील, तीसरा है राइट क्लिक बटन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो अगर हम माउस को देखें, तो यह आपके कंप्यूटर का माउस है, माउस जो कि एक आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के अलावा हम माउस का भी यूज कीबोर्ड के इनपुट डिवाइस के रूप में कर सकते हैं। तो माउस में आपका लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक है और आपका ये व्हील है। तो लेफ्ट क्लिक, तो लेफ्ट क्लिक इट इज यूज टू मूव कर्सर और सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। तो लेफ्ट क्लिक का जो यूज होता है वह ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है या कर्सर को मूव करने के लिए होता है। राइट क्लिक टू ओपन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यूज। राइट क्लिक करके हम मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। और यह जो व्हील है, जो हमको बीच में व्हील दिख रहा है, इट इज यूज टू स्क्रोल अप और डाउन द पेज और मेन्यू। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो स्क्रोल व्हील होगा। तो ये जो व्हील है यही हमारा आंसर होगा। द स्क्रोल व्हील हेल्प्स इन मूविंग अप एंड डाउन इन द पेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आपका बी होगा। पांचवा क्वेश्चन है, HTTP stands for हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टाइम्ड टेक्स्ट प्रोटोकॉल, होपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, होपर टेक्स्ट टाइमर प्रोटोकॉल। तो HTTP जो है वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो HTTP, तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव का हमारा जो आंसर होगा ये हमारा आंसर ए होगा। HTTP stands for हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वह जैसे www.google.com, तो उसको हम https://, उसके बाद google.com लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। पहला ALU, दूसरा मेमोरी, तीसरा CPU, चौथा कंट्रोल यूनिट। अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर में बेसिकली आपका इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है और आपका ये CPU होता है। तो यह जो बॉक्स टाइप का है इसी को CPU कहा जाता है। तो इसी में सारा प्रोसेसिंग होता है। तो द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम पहले के क्वेश्चन में देखें तो आपके CPU में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, यह तीनों जो है आपको CPU में मिलेंगे। सो वी कैन से दैट CPU इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्वेश्चन सिक्स का जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज योर CPU। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द टर्म सोशल नेटवर्किंग फर्स्ट यूज्ड। सोशल नेटवर्किंग फर्स्ट यूज, पहला है 1994, दूसरा है 1954, तीसरा है 2004 और चौथा है 1974। तो सोशल नेटवर्किंग फर्स्ट यूज इन द ईयर 1954। तो क्वेश्चन सेवन का आंसर जो है आपका बी होगा। लेकिन 2004 से सोशल नेटवर्किंग साइट जो है ये ज्यादा पॉपुलर हुए। यह क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट यूज्ड, तो फर्स्ट यूज जो है वह 1954 है। और अगर हम पूछे कि व्हेन इट इज मोस्ट पॉपुलर, व्हेन इट स्टार्टेड टू बिकम मोस्ट पॉपुलर, स्टार्टेड टू बिकम मोर पॉपुलर इन 2004। और इसी समय आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर
और इसी तरह के और सोशल नेटवर्किंग साइट उसी समय डेवलप हुए थे। एक क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज TCIP, TCPI, TCP/IP, TCP। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट जो होता है वह होता है आपका TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यह क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी, दैट इज योर TCP/IP। नाइन्थ क्वेश्चन है, हैंगआउट इज द कंपोजिट वर्जन ऑफ 3 मैसेजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ गूगल, नेमली डैश, गूगल प्लस मैसेंजर एंड हैंगआउट। पहला है टॉक, दूसरा है गूगल प्लस, तीसरा है स्काइप, चौथा है फेसबुक। अगर हम गूगल के हिस्ट्री में देखें तो गूगल टॉक 2005 से 2017 तक था, उसके बाद गूगल प्लस मैसेंजर और गूगल प्लस हैंगआउट इन दोनों को इंटीग्रेट किया गया। ये आपका 2011 से 2013 तक था, उसके बाद हैंगआउट्स। तो हैंगआउट्स को क्या किया गया कि आपका ये टॉक, गूगल प्लस मैसेंजर और गूगल प्लस हैंगआउट, ये तीनों को इंटीग्रेट करके नाम दिया गया हैंगआउट्स। और यह हैंगआउट 2013 से 2021 अभी भी चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हैंगआउट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉक, गूगल प्लस मैसेंजर एंड गूगल प्लस हैंगआउट्स। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर ए होगा। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोटोकॉल असाइंस आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। इसमें ऑप्शन है DHCP, दूसरा है IP, तीसरा है RPC, चौथा है none of the mentioned। तो अगर हम आईपी एड्रेस डेटाबेस देखें तो आईपी एड्रेस डेटाबेस जो है आपका DHCP सर्वर से कनेक्टेड है, और DHCP सर्वर जो है यह इंडिविजुअल कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वर, इट असाइन्स आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। तो हमारा क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, दैट इज योर DHCP, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। थैंक यू।